क्या करना चाहिए, कैसे क्या होगा, क्योंकि उस कैटेगरी में आप भी हैं, हम भी हैं, हर कोई है, हर कोई जानना चाहता है कि मैं इस कैटेगरी में हूं या नहीं हूं, कैसे क्या करना चाहिए, क्या इस कैटेगरी में रहना चाहिए नहीं, या इनको छोड़ना चाहे, या कौन सी कैटेगरी में रहना चाहे, हर किसी की इच्छा है। अब आप तीसरा टाइप का मेंबर भी रहता है, एक खास इंपॉर्टेंट तीसरा टाइप का मेंबर रहता हो कि क्या करता हो, कैसे रहता है, सुनना चाहते हो आप तो सुनो। आप तीसरा टाइप का मेंबर वो है कि जिसका एक गोल से होता है, एक ड्रीम से होता है, चाहे वो पर मंथ, पर ईयर, पर डे, कैसी भी हो, कैसी भी हो या लॉन्ग हो, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, कितने टाइम का भी हो, कैसी भी हो, तो उनका एक सिद्धांत होता है, उनका एक कमिटमेंट होती है अपने से कि जब तक गोल्स पूरा नहीं होगा, जब तक मेरा गोल्स पूरा नहीं होता, तब तक मैं विचलित नहीं होऊंगा, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तब तक मैं बीच रास्ते में कोई खाना पीना, जलेबी, पकौड़ी, समोसा, पिज्जा, पास्ता कुछ नहीं खाना है मुझे मुझे कुछ नहीं खाना है। जब मैं पहुंच जाऊंगा देवप्रयाग, अर्थात देवप्रयाग, जब मैं देवप्रयाग की घाटी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भगवान के श्री चरण में पहुंच जाऊंगा, तभी जाके मैं इंजॉय करूंगा, तभी जाके मैं मौज मस्ती करूंगा, तभी जाके मैं थकान सांस लूंगा, चैन की सांस लूंगा। एक उस टाइप के मेंबर होते हैं, उनका कमिटमेंट, उनका विश्वास बड़ा वो होता है, कठिन दृढ़ वाले होते हैं। चाहे उनका एक दिन का होगा, मैंने एक साल, कितने भी दिन का होता है, कितने भी टाइम का होता है, वो उसमें बिलीव नहीं करते। उनका क्या, उनका बीच बीच में एंटरटेनमेंट, जलेबी पकौड़ी खाने का वो नहीं है, उनका सम्मत रहती है अपने से या दूसरे से कि मैं जब तक ये पूर्ण ना हो ना मेरे सपना, तब तक मैं बीच में विचलित नहीं होऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट या दूसरा गोल नहीं अपनाऊंगा। तो कैसे लगा आपको ये इनके बारे में सुनते हुए, इन हमारे महान कलाकारों के बारे में जरा विचार कीजिए कि वो कौन कौन है। अगर आप उनमें से आप हो अगर, तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, क्योंकि अब मिलना बहुत जरूरी है। तो चलो, आपका भी अपना भी समय ना गंवाते हुए चलते हैं वापस अपना टॉपिक पर कि हमारे, कि हमने ऐसे मेंबर्स, ऐसे पर्सनों के बारे में आपको, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे कैटेगरी के लोगों के बारे में आपको बड़ी भांति बताया है कि किस प्रकार से लाइफ स्टाइल वो जीते हैं मजे से या दुख में या सुख में, आपको बड़ी भांति पता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में एंट्री कर दीजिए। दूसरी सेकेंड नंबर टाइप्स ऑफ थ्री, तीन प्रकार के मैंने लोगों के बारे में डिस्कस किया कि तीन प्रकार के लोग रहते हैं हमारे सिटी, कंट्री, एरिया में। नंबर वन, पहले नंबर वन कौन था बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको याद है। नंबर वन के लोग वो हैं, तो नंबर वन के लोग वो होते हैं जो आज के प्रेजेंट, आज के दिन पर, प्रेजेंट के समय पर, प्रेजेंट के टाइम पर विश्वास रखते हैं, विश्वास मानते हैं, जीते हैं, या खुशी से या दुख से, प्रेजेंट के दिन में, आज के दिन में भरोसा करते हैं, आज के दिन में जीते हैं, एंजॉय जो भी है, और कल आने के सपना, कल का दिन, आने वाले फ्यूचर यानी कि कल का दिन के लिए बोलते हैं कि कल किसने देखा, ये भी मैंने डीपीएम बताया है। सेकंड नंबर के पर्सन कौन से रहते हैं, सेकंड नंबर के पर्सन वो है जिसके छोटे मोटे गोल या कैसे भी उल्टे सीधे गोल होते हैं, पर लेकिन उनका क्या नियम होता है, उनको ये नियम होता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते, अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बीच रास्ते में एंटरटेनमेंट करना, एंजॉय करना, मतलब कई प्रकार के जो मन में आए
इच्छाएं उनको पूरा करना, छोटे मोटे काम या गोल से कुछ भी है, मजे लेने बीच बीच में, मंजिल तक पहुंचते पहुंचने से पूर्व ये काम करते हैं, ये भी आपको भली भांति पता है। अगर आपको ये भी पता है आपको कि तीसरे नंबर की कैटेगरी के, ये भी पता है आपको कि तीसरी कैटेगरी लोग कौन से हैं, और तीसरी कैटेगरी के लोग, और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो क्या बोलते हैं कि हमें मंजिल तक, हमें गोल्स को प्राप्त करने के बाद ही, हमें अपने काम पूरा करने के बाद ही सांस लेनी है, चैन की सांस लेनी है, मजे लेने हैं, एंटरटेनमेंट करना है, जीना है, जो भी होगा, चाहे वो समय का टाइम चाहे लॉन्ग होगा चाहे वो शॉर्ट होगा, पर इसमें जीना है, हमें इसमें जीना है। ये भी अली भांति बताया मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल के तौर से समझाया आपको। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पहले जाके वो वीडियो देख लो, जो उसके बाद इस वीडियो में एंट्री मारे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आप बताने वाला हूं मैं आपको कि उस वीडियो का निष्कर्ष अब मैं इसमें बताने वाला हूं क्या करना चाहिए, कैसे क्या होगा, क्योंकि उस कैटेगरी में आप भी हैं, हम भी हैं, हर कोई है, हर कोई जानना चाहता है कि मैं इस कैटेगरी में हूं या नहीं हूं, कैसे क्या करना चाहिए, क्या इस कैटेगरी में रहना चाहिए नहीं, या इनको छोड़ना चाहे, कौन सी कैटेगरी में रहना चाहे, हर किसी की इच्छा है। मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि आप या मैं कोई सी भी कैटेगरी में रहे, कोई सी भी कैटेगरी में रहे, लेकिन हर कोई इंसान, मैं हूं आप, 99% कोई ना कोई एक कैटेगरी में जीता है, कुछ क्षण के लिए जीता है, कोई कुछ सालों के लिए जीता है, कोई लाइफ टाइम के लिए जीता है, लेकिन इन तीनों में से एक कैटेगरी में जरूर अवश्य ही जीता है। पूछना किसी न किसी को, अपने फ्रेंड्स गुरुजन या किसी आपस में बैठ के किसी औरों से डिस्कस करना है कि कौन कौन सी कैटेगरी आप अपनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर से मैं अपनी कैटेगरी के बारे में बताता हूं आपको। देखो, मैं कभी कभी ऐसी कैटेगरी अपनाता हूं कि कभी लगती है कि पहली वाली कैटेगरी में मैं प्रवेश कर रहा हूं, कभी कभी लगता है कि मैं सेकंड वाली कैटेगरी में हूं, कभी कभी ऐसा लग जाता है मेरे को, कभी कभी ऐसे गोल्स ऐसे मंजिल होते मेरे को कि मैं थर्ड वाली कैटेगरी में आ चुका हूं, थर्ड वाली कैटेगरी अपना रहा हूं। पर मेरा कहने का एग्जाम्पल यह है कि हर क्षण पर, हर पल, हर समय परिवर्तन के मौसम के हिसाब से जैसे परिवर्तन होता ना, वैसे वैसे लोग कैटेगरी भी बदल लेते हैं। अब रॉन्ग कोई नहीं है, पिछले वीडियो में कहा मैंने कि कौन सी कैटेगरी रॉन्ग है, कौन सी कैटेगरी शॉर्ट है यानी कि फॉल्स है, कौन सी उचित है, कौन सी अनुचित है, ये मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में। इस वीडियो में बता रहा हूं मैं आपको, ना तो कोई कैटेगरी उचित है ना कोई अनुचित है, अपने अपने माइंड के हिसाब से कोई जगह से जीता है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जिंदास, ओके। तीनों में से 99% कोई ना कोई मेंबर जीता है, कभी तीनों कैटेगरी में चलता, कभी सिंगल कैटेगरी में चलता, कोई कभी कुछ क्षण के लिए जीता है, कोई लाइफ टाइम के लिए, कोई शॉर्ट टाइम के लिए। ये भली भांति समझ लो, ये भली भांति दिमाग में शेप करके रख दो भाई मेरी जान, भाई मेरे प्रिय गुरुजन, ये अपने दिमाग में शेप करके रख दो, टाइम के लिए या इस क्षण के लिए या इस इतने महीने के लिए मैं इस कैटेगरी में काम कर रहा हूं, तो आपके लिए मैं सुंदर फर्स्ट क्लास आइडिया लेके आया हूं कि इनका समाधान कैसे किया जाए, इनसे मुकाबला कैसे किया जाए, इनको अपने बस में कैसे किया जाए, इनसे इन पर तीनों कैटेगरी में विजय कैसे प्राप्त किया जाए, ये सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए या मेरे लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि इसी ने इनमें से किसी एक कैटेगरी में तो है आप या मैं,
इन पर मास्टरी करनी बहुत जरूरी है। आप ध्यान से डीप में जा रही है स्टोरी, आप ध्यान से सुनो।